एक गांव में रघु नाम का ऑटो रिक्शा वाला हुआ करता था। उसका ऑटो एकदम खटारा हो चुकी थी। कब शुरू होता है कब बंद होता है उसी को नहीं पता। लेकिन रघु नया ऑटो नहीं खरीद पाने की वजह से हर दिन उसे मैकेनिक के पास ले जाता था। एक दिन मैकेनिक, अरे भाई तुम और तुम्हारा ये ऑटो महान है, कुछ एक दो पार्ट खराब होते तो रिपेयर कर सकते थे। हर बार सारे के सारे पार्ट रिपेयर करना मुझसे नहीं होगा। अब इसे कबाड़ी वाले को नहीं बेचा तो तुम्हें मार कर मैं भी मर जाऊंगा। रे ऐसे मत कहो रे, मेरे परिवार को पालने के लिए ये ऑटो ही जरिया है। इस बार के लिए कुछ करो, जल्दी ऑटो बदल दूंगा तुम्हारी कसम। क्या मुझ पर कसम खा लिए हो? यानी तुम ऑटो बदलोगे नहीं और मेरा मरना निश्चित है। फिर रघु प्रयाणिक को बिठाकर उस ऑटो में बगल वाले गांव जा रहा था। ऑटो अचानक एक जगह पर रुक गई। प्रयाणिक बाहर उतरे। क्यों भाई, हर दिन विनती करते करते ऑटो में बिठा देते हो, नंबर वन कंडीशन में है अब नहीं रुकोगी कहते हो, फिर लाकर यू बीच रास्ते में छोड़ देते हो। अब से तुम्हारा ऑटो चढ़े तो हमें चप्पल से लेकर मारो। इतने में भुवन नाम का आदमी ऑटो लेकर वहाँ आया। भुवन उनसे कहा था ना कि उसके ऑटो में मत चढ़ो, कितनी बार कहा कि मेरे ऑटो में ही ऐसे तैसे एडजस्ट करके बैठ जाओ, लेकिन आप लोग तो सुनते नहीं हो। आइए अंदर बैठे हुए लोगों के गोद में बैठे, आइए आइए अंदर आइए आइए आइए। सारे लोग भुवन के ऑटो में ऐसे तैसे बैठकर चले गए। उस दिन से रघु के ऑटो में लोग बैठना बंद कर दिए। इस तरह रघु हर दिन खाली हाथ ही घर आता था। क्या जी आज भी सामान नहीं लेकर आए, बच्चे सुबह से बिना खाने के भूखे पेट हैं। आसपास के लोग उधारी भी देना बंद कर दिए, ऐसे चलेगा तो कैसे जिएंगी जी, कहते हुए रोने लगी। रो मत, इतने दिन हम हमारे ऑटो पर भरोसा करके जिए, अब लगता है बेचारा उसका अंत आ ही गया है। मैं पहले जाकर कबाड़ी वाले के पास ऑटो बेचकर घर के लिए सामान लेकर आता हूँ, बाद में कोई भी कूली वाला काम कर लूंगा, तुम घबराओ मत, कहते हुए चला गया। रघु ऑटो को धक्का मारते हुए जा रहा था। इतने में एक मुनि उसे रोक कर, बेटा क्या मुझे जरा दुर्गापुर तक लेकर जाओगे? क्या दुर्गापुर? ये ऑटो में ये तो चालू भी नहीं होता है स्वामी, इतना दूर आपको नहीं ले जा सकता स्वामी, मुझे माफ कीजिए। तो फिर एक काम करो बेटा, कहकर एक छतरी निकाला। ये छतरी खोलकर ऑटो के ऊपर लगाओ। छतरी को क्या ऑटो पर लगाना है स्वामी, कहते हुए उस छतरी को खोला। बस वो एक बड़ा जायंट अम्ब्रेला बन गया। रघु दंग रह गया। फिर रघु उस जायंट अम्ब्रेला को ऑटो के ऊपर लगा दिया। दोनों ऑटो में बैठे। बस वो छतरी ऑटो को ऊंचाई पर ले गई। ऑटो हवा में उड़ने लगा। उसे देखकर लोग हैरान रह गए। फिर वो छतरी ऑटो को दुर्गापुर ले गई। मुनि ऑटो से उतर के, मुझे मुफ्त में ऑटो में बिठाने के लिए ये छतरी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अब से तुम और तुम्हारा परिवार शांति से जियो बेटा। रघु उन्हें शुक्रिया अदा किया। उस दिन से वो गांव वाले रघु के ऑटो में खुशी से बैठने लगे। ऑटो के ऊपर मैं भी कहते कहते बैठने लगे। वो अम्ब्रेला उन्हें हवा में ले जाकर उन्हें उनके गांव पर छोड़ देता था। फिर रघु उस अम्ब्रेला को रिवर्स में घुमाकर केले के गुच्छे लाता था, उन्हें समुद्र से दूर रहने वाले लोगों तक पहुंचाता था। इससे उस गांव में केले के व्यापारी बहुत खुश हो जाते थे। इस तरह रघु अच्छे पैसे कमाकर अपनी पत्नी को दिया करता था। भगवान ने हम पर ऐसी कृपा की है। इस दौरान भुवन रघु से निंदा करने लगता। किसी भी तरह उस मायावी छतरी को छुड़ा लेना होगा, सोचता था। एक दिन जब रघु के घर पर कोई नहीं था तो भुवन जाकर उस मायावी छतरी को चुरा कर बदले में कोई साधारण छतरी रख दिया। फिर भुवन उस जायंट छतरी को अपने ऑटो पर लगाया। फिर ऑटो में बैठकर, हाँ आइए भाई आइए, आपको सिर्फ दुर्गापुर या चंपापेट नहीं बल्कि सीधा अमेरिका इंग्लैंड तक लेकर जाऊंगा, आइए जल्दी आकर बैठिए, यूं पुकारता था।
लोग उस ऑटो के पास आने के पहले ही वो ऑटो हवा में ऊपर उठा। अरे रुक, इतनी जल्दी क्यों उड़ रही हो, लोगों को बैठने तो दो। वो छतरी ऑटो को लेकर जाकर रेल पटरी पर रख दी। ये क्या, यहाँ क्यों रखा, कहते हुए घबरा गया। वो छतरी घूमकर रघु के पास चली गई। इतने में ट्रेन आने लगी। भुवन ऑटो को चालू करने की कोशिश किया, वो चालू ही नहीं हो रहा था। ट्रेन बहुत करीब आने की वजह से वो ऑटो से उतरकर भाग गया। ट्रेन आकर उस ऑटो को मारकर चली गई। हाय राम, मेरा नया ऑटो, ज्यादा की लालच में जो था वो भी खो दिया रे। एक गांव में विकी नामक एक लॉरी ड्राइवर था जो बहुत लालची था। विकी का एक छोटा भाई था जिसका नाम था नानी, वो भी अपने भाई की तरह लालची था। उसका एक जेसीबी ट्रक था। नानी पहाड़ों से पत्थर तोड़कर विकी के ट्रक में लोड करता था। देख नानी, और पत्थर डालो, ट्रक पूरी तरह भर जाना चाहिए। तब नानी और पत्थर तोड़कर लोड करता है। विकी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है। साहब, 2 टन भर दिया है, केजी का 200 रुपए के हिसाब से पैसे दे दीजिए। कॉन्ट्रैक्टर ट्रक को देखकर कहता है, क्या भैया, गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार तुम्हें 1 टन ही भरना चाहिए। 2 ट्रिप में होने वाला काम 1 ट्रिप में करके पैसे बचाओ तो उससे आपको कोई दिक्कत है क्या? कॉन्ट्रैक्टर झिझकते हुए, ठीक है, लेकिन विकी कॉन्ट्रैक्टर को टोकते हुए, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ज्यादा मत सोचिए, बस पैसे दे दीजिए। कॉन्ट्रैक्टर विकी को पैसे दे देता है और विकी ट्रक लेकर निकल पड़ता है। लोड ज्यादा होने के कारण रोड पे पत्थर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से पीछे आने वाले वाहनों को बहुत समस्या होने लगती है। एक दिन विकी ट्रक को पूरी तरह लोड करके हाईवे पे जा रहा था और इस बीच में नानी को कॉल करके बोलता है, नानी मैं नहर के पास वाले रास्ते पे हूँ, गलती से पूरे लोड के गिर जाने का नाटक मैं रचूंगा। ये सुन के कॉन्ट्रैक्टर वापस लोड भरने के लिए तुम्हें ही कॉल करेगा, तब तुम डबल पैसे पूछना, कहकर फोन रख दिया। विकी तुरंत लॉरी को एक गड्ढे में उतारता है और लॉरी संतुलन खोकर रोड पे गिर जाता है। सारे पत्थर रोड पर बिखर जाते हैं और इसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और विकी पुलिस वालों को पैसे खिलाते हुए, सर अनजाने में स्किड हो गया और पूरा लोड रोड पे बिखर गया सर, प्लीज मुझे छोड़ दो, कहकर माफी मांगता है। SI तुरंत कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करके, अरे ओ कॉन्ट्रैक्टर, तुम्हारी लॉरी अनजाने में स्किड हो गई और पूरा लोड रोड पे बिखर गया है, तुरंत आकर पत्थरों को उठवाओ। कॉन्ट्रैक्टर नानी को कॉल करके, भाई नानी मदद कर दो, तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, हाईवे पे हमारी लॉरी गिर गई है और सारे पत्थर रोड पे बिखर गए हैं, उसको तुरंत हटाना है। ठीक है सर, आप पूछ रहे हैं तो कर दूंगा, लेकिन डबल फीस लगेगा। कॉन्ट्रैक्टर के हां बोलने पर नानी विकी के पास पहुंचता है और लोड को वापस ट्रक में भरता है। इस तरह विकी हर बार लोड को गिराता है और नानी अपनी जेसीबी के सहारे लोड को वापस भरता है। ये देखकर कॉन्ट्रैक्टर, ऐसा हर बार क्यों हो रहा है, सोचते हुए पेड़ के पीछे छुपकर दोनों भाइयों की बातें सुनता है। भाई विकी, क्या बढ़िया प्लान है तेरा, उस कॉन्ट्रैक्टर को क्या उल्लू बना के डबल प्रॉफिट बनाया। कॉन्ट्रैक्टर, अच्छा तो ये बात है, दिखा दिया ना तुम लोगों ने अपनी नियत, तुम अनपढ़ गवार में इतनी अकल है तो मुझ में कितनी अकल होगी, तुम दोनों को मैं सबक सिखा के ही छोड़ूंगा। अगले दिन कॉन्ट्रैक्टर विकी और नानी के पास आकर, विकी नानी तुम दोनों बहुत मेहनती हो यार, जब भी मुझे मदद की जरूरत पड़ती है तुम दोनों करते हो, थैंक यू। अरे साहब, ये हमारी जिम्मेदारी है, मुझे एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तुम दोनों को कल सुबह तक शहर पहुंचना है, वहां एक ग्रेनाइट का पहाड़ है, उसे तोड़कर बेचेंगे तो माला माल हो जाएंगे। बढ़िया साहब, मगर कल सुबह तक सिर्फ मेरा लॉरी पहुंचेगा, जेसीबी नहीं। एक काम क्यों नहीं करते, जेसीबी को लॉरी में चढ़ा के ले जाओ। क्या आइडिया दिया है सर, आप चिंता मत करो, हम दोनों टाइम पे शहर पहुंच जाएंगे।
ये सुनकर कॉन्ट्रैक्टर निकल जाता है। भाई, जेसीबी को लॉरी में कैसे चढ़ाएंगे? किसी भी तरह चढ़ाना ही पड़ेगा, तू कोशिश तो कर। इस तरह नानी जेसीबी को लॉरी में चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरी के आगे के पहिए ऊपर उठ जाते हैं। ओहो हो हो, आगे के पहिए ऊपर उठ गए। अरे नानी, रुक जा। लेकिन इस बीच में लॉरी ऊपर से गिर पड़ता है, उसके पहिए बाहर आ जाते हैं और लॉरी टूट जाता है। जेसीबी भी संतुलन खोकर गिर जाता है। हाय राम, मेरा जेसीबी गिर गया। विक्की, तुम्हारी लॉरी भी चूर चूर हो गई, कहकर दुखी होता है। इसीलिए लालच के पीछे भागने का नतीजा खुद का विनाश भी हो सकता है।